press the bell icon for all the updates. सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है दिल्ली मसाला का। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। क्या कहेंगे, दोनों ही किरदार एकदम बदल चुके हैं या सिर्फ लुक बदला है? जी नहीं, किरदार वही है, बस भेष बदला है। भेष, लुक, माने द सेम थिंग। भेष एक हम लेने वाले हैं शो में, ये हमारा भेष नहीं है तो हमारा अभी लुक ही होने वाला है। वेशभूषा ये हमारी वेशभूषा है और एक भेष भी आने वाला है कनक का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा जो कि इंडियन नहीं होगा, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। माइन इज वेरी ऑथेंटिक इंडियन अगेन। हाँ, ये इंडियन रहे, देसी देसी। ये ट्विस्ट आप लोगों के लिए कितना हैपनिंग था, जो लुक चेंज हो गया है, स्टोरी चेंज हो गई है, उसको लेकर के? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स अ बिग चेंज फॉर अस। हम अभी नया नया आया है तो किरदार में मैं तो ढल रहा हूँ, तो उमा शंकर के हिसाब से ये काफ़ी नया है, और दो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा है, कंफर्टेबल है। आई थिंक अगर लोगों को पसंद आए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। एक्चुअली ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज है कि आई एम वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस ऑन अ टीवी शो, एंड आई होप कि हमारी इंडियन ऑडियंस को और बाहर की जितनी भी ऑडियंसेज हैं उनको मेरा ये लुक भी पसंद आए। अच्छा, आप लोग आउटडोर भी गए थे तो कितना एंजॉय किया है वहाँ पे, या कोई स्कैरी मोमेंट हुआ, कुछ भी शेयर करना? बहुत मज़ा, स्कैरी मोमेंट स्कैरी तो आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं था, स्कैरी यहाँ पर करके गए थे एक सीक्वेंस हम। Yeah, there was the street in Patia, there was walking street, जो कि एक बहुत ही crowded और busy street है, जहाँ पर बहुत लोग होते हैं, and we also shot on a weekend, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा crowded थी, but it was so amazing, everybody loved it, बहुत मज़ा था, बहुत ही adventurous था, बहुत ही challenging था हमारे लिए भी, and even for the whole crew also, even for the director also, the way he placed the shots, the way production managed everything, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा cooperative थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमें कोई बीच में disturb नहीं किया, and though they were enjoying the shoot, what we were doing, it was, I think, more experiencing than for the whole people over there. Which had come. क्योंकि I think walking street में इतने ज़्यादा shoot तो होते नहीं हैं, तो when the shoot happened, so people were enjoying it. They were very excited to see us there. Yeah. And also एक बहुत ही scary scene आने वाला है show में, जो मैं खुद करते हुए डर गई थी बैंकॉक में. Oh my God, that will be one of the best scenes of my life. और अगर आप देखेंगे भी तो आप शायद डर जाएंगे. It's so scary. It's related to heights. मैं इतना बता सकती हूँ बस. Vertigo. I don't have vertigo, but अगर वहाँ कोई खड़ा होए तो कोई भी डर जाएगा। Vertigo, vertigo. I don't have vertigo. It's मतलब the. जानना चाहेंगे कि शो में जो मासी है, उनका लुक भी काफी बदल चुका है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ चुकी है। जी हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा शॉक है व्यूअर्स के लिए। डेली सुकी सास स्विमिंग सूट में? हाय हाय हाय, ये कैसे हो गया? बट या इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हर इन ड्रेसेस एंड गाउन्स एंड स्विमिंग सूट ऑफ कोर्स। आपको अच्छी लगी मासी सा स्विमिंग सूट में? उमा शंकर को नो कमेंट्स। लोगों को अच्छी लगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक तरीके से देखा जाए तो वापस से कहानी स्टार्ट होने वाली। मैंने उमा शंकर कहा था, उसको लेकर के क्या कहेंगे फैंस, कितना रिलेट कर पाएंगे? पहले उमा कनक से जितना पहले उमा शंकर और कनक में काफ़ी डिफरेंसेस थे। उमा बहुत ही रूढ़ीवादी सोच के आदमी थे, लेकिन अच्छे दिल के थे, लेकिन ये वही फॉलो करते थे जो इन्हें सिखाया गया है। और जब से इनकी आंखों पर से पट्टी हटी है, इन्हें पता चला है कि असल में दुनिया कैसे चलती है और क्या सही और क्या गलत है। इन्होंने कनक का साथ देने का फैसला किया और धीरे धीरे इनमें बदलाव आ रहा है। कनक का साथ देने का फैसला मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी आंखों से पट्टी निकल गई, बट हाँ, कनक ने इसमें बहुत बड़ा श्रेय है कनक का है, बिकॉज उन्होंने ये सब एक्सपोज किया मासी सा को। हाँ। और मुझे पता लगा उसके बारे में कि जो भी मुझे सिखाया गया वो सब गलत नहीं था ऑब्वियसली, बट हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उसमें जो कि उन्होंने मुझे बोला था कि धर्म के खिलाफ हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, बट फिर भी मेरी सोच वैसी थी। तो अब धीरे धीरे मुझे पता लगा है कि जो मैं था वो मैं गलत था और मैं उसे बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप मैं आगे जाके अपने आप को पूरी तरह से बदलूँ जो मैं गलत सोच रहा था। और उसमें कनक कितना मेरा हेल्प करती हैं आगे, वो आप देखेंगे। जैसे कि औरतों को आप जानवर की तरह समझो और उन्हें मिसट्रीट करो, उन्हें पैर की जूती समझो, ऐसी सब चीज़ें जो उमा शंकर को सिखाई गई थी
वो अभी उमा शंकर को समझ में आया है कि ऐसा नहीं है और ये गलत धर्म है, तो वो उसमें लिखा हुआ था, बट मासी सा ने उस समय मेरा ब्रेन वॉश किया था उस मोमेंट के लिए। तुमने बोला कि वो सोच नहीं है एक्चुअली, मैं वो बस एक उस दौरान एक सोच बन गई ना अल्टीमेटली, नहीं सोच उस टाइम पे बनी ना, फिर बाद में वो हट भी गई थी। हाँ हाँ अच्छा ठीक है आप बोलो, ऐसी था। हाँ तो जो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी और इनके हिसाब से जो धर्म में के पैर धोकर पति के पानी पीना और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो शायद उमा शंकर को ये चीज़ें समझ में आएंगी और कनक और कनक को भी काफ़ी उमा शंकर की चीज़ें पसंद आईं, जो कि इनकी सादगी है और कैसे वो सबके साथ विनम्रता से बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आई थिंक टू मेक अ परफेक्ट पेयर दोनों साइड से वो एडजस्टमेंट और ये चीज़ें आएंगी तभी वो परफेक्ट सोलमेट बन पाएंगे और यही हमारे शो का बेसिस है। अच्छा ये तो शो की बात हो गई, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो अभी आप लोग आउटडोर पे गए थे और काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों को एक साथ काम करते हुए, तो कितना सपोर्टिंग है एक दूसरे के लिए आप लोगों का? ऑब्वियसली सपोर्टिंग है तभी। हाँ ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन बहुत है। अच्छा वो आपने एक क्वेश्चन डाला, यू नो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आवर शो जैसे आपने पूछा, वो यही है कि एवरीबॉडी इज़ वेरी कोऑपरेटिव ऑन आर सेट, और सबसे बढ़िया है कि तीन चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, विच इज़ पंक्चुअलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डेडिकेशन, दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ आर शो, और सब वैसे हैं और इसलिए बहुत ही पॉजिटिविटी है हमारे पूरे कास्ट और क्रू में, जो कि हमें बहुत ही हेल्प किया है, विच मेक्स ग्रेट शोज़, और आई थिंक दैट इज़ द होल एडवांटेज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आर शो, और ये अगर हमेशा हम ऐसे मेंटेन करके रखें तो आई एम श्योर वी गोना टच हाइट्स। जी मुझे लगता है कि अविनेश ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे शो में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है, हर एक एक्टर एक दूसरे के प्रति बहुत ही सपोर्टिव है, और जो भी कम ज़्यादा कुछ भी होता है हम उसे एडजस्ट करके आगे चलते हैं, और कभी भी यू नो देर आर नो हार्श फीलिंग्स फॉर ईच अदर, सो अगर पॉजिटिविटी है तो सब तो वो स्क्रीन वो वही चीज़ स्क्रीन पे दिखती है, एंड आई एम श्योर इसी वजह से लोगों को हमारा शो भी पसंद आ रहा है और हमारे हार्डवर्क भी दिख रहा है। अपने उमा और कनक के फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वी आर वेरी हैप्पी कि आपको हमारा किरदार हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है, और इसी तरीके से आप हमें और प्यार देते रहेंगे। जी हाँ प्लीज़ एंड डू वॉच आवर शो। यस थैंक यू सो मच।